नमस्कार दोस्तों, श्री नीटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज ये टू कलर का पैटर्न बनाएंगे हम। ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है, ये देखिए बहुत ही खिल के आता है। और ये वाला पैटर्न आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जेंट स्वेटर, लेडी कार्डिगन या फिर बच्चों के कपड़ों में। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इसमें रेड और वाइट कलर यूज किया है। आपको जो भी दो कलर पसंद हो, टू कलर का कॉम्बिनेशन करके उससे आप ये बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाना है। इसके लिए हमें इसमें फंदे डालने हैं 10 के मल्टीप्लाई। जब भी आप इसमें फंदे डालें, ये 10 10 के जोड़ करके डालें, क्योंकि ये एक वायर जो इसमें बनती है, ये 10 फंदों पर ही बनती है। इसमें 4 फंदे इसके वायर के होते हैं, जो ये वाइट वाली है, और 6 फंदे ये रेड कलर के। तो इसमें हम फंदे डाल लेंगे, मैंने इसमें 40 फंदे डाले हैं। आप इसी के हिसाब से अपने इसमें फंदे डाल लें। और ये 6 रो का पैटर्न है, 4 रो ये वाइट कलर की बनेगी इसमें, और 2 रो रेड कलर से। ये मैं बनाकर दिखाती हूँ यहीं से आपको स्टार्ट करके कैसे बनाना है। ये फर्स्ट रो राइट साइड। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ये देखिए फर्स्ट रो है, ये हम बेस कलर से बनाएंगे, वाइट कलर है हमारा बेस कलर। फर्स्ट रो हम पूरी सीधी बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो, ये बैक साइड आएगी हमारी सेकंड रो, ये भी हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। इसमें सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट होगी। अब थर्ड रो, थर्ड रो भी हम पूरी सीधी बनाएंगे। ये राइट साइड आएगी फर्स्ट की तरह, पूरी इसको भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए थर्ड वाली रो कंप्लीट होगी। अब फोर्थ वाली, ये भी पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए 4 रो हमारी पूरी कंप्लीट होगी। और अब फिफ्थ रो, इसमें को हम रेड कलर से बनाएंगे। जो आप इसमें सेकंड कलर ऐड करेंगे, जो फिफ्थ रो बनेगी हमारी, उस कलर से बनेगी। अब हम रेड कलर लगाएंगे इसमें। फर्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, सेकंड फंदा भी उल्टा बुनेंगे, और थर्ड फंदा भी उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे हम इसमें उल्टे बनाएंगे सेकंड कलर से, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 4 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करके, फिर अब 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4
देखिए, छह फंदे हमने रेड कलर से बुन लिए। अब धागा पीछे की साइड करेंगे, अब चार फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे की साइड करके छह फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। फिर ये धागा पीछे करके चार फंदे फिर से स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4, फिर धागा अपनी साइड करके छह फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर धागा पीछे करके चार फंदे स्लिप कर लेंगे। तीन चार, ये देखिए चार फंदे स्लिप कर लिए। फिर धागा आगे की साइड करके ये लास्ट में तीन फंदे हमारे बचे हैं, तीनों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, इसी तरीके से ये फिफ्थ रो पूरी बनानी है। छह फंदे इसमें, चार फंदे हमें स्लिप करने हैं, पहले तीन फंदे उल्टे बुने, फिर चार फंदे स्लिप किए, फिर छह फंदे उल्टे बुने, चार फंदे स्लिप किए, इसी तरीके से। अब सिक्स रो ये बैक साइड से बनेगी, सिक्स वाली, ये भी हम रेड कलर से ही बनाएंगे। इसमें फर्स्ट दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, ये देखिए। अब हम चार फंदे लेंगे, ये चार ये वाइट कलर के और दो रेड कलर के, इस पे हम जो हमारी ये वायर बनी है ये बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, दो ये फंदे व्हाइट वाले ये आगे लाने हैं, और जो ये रेड वाला फंदा है इसे इन दो के बाद ले जाना है। ये देखिए ऐसे करेंगे, पहले ये धागा हम अपनी साइड कर लेंगे, और ये दो व्हाइट वाले फंदे हम आगे करेंगे, और ये रेड वाला फंदा इस तरह पीछे कर लेंगे। जो ये व्हाइट वाले फंदे हैं हमारे, इनको हमें बुनना नहीं, जो ये रेड वाला फंदा है इसको बुनेंगे हम उल्टा इस तरह। अब फिर ऐसे ही करेंगे, ये रेड वाला फंदा हम इधर लाएंगे और ये व्हाइट वाले पीछे ले जाएंगे। ये हमें दोनों रेड कलर के फंदे बीच में करने हैं, इधर से हमने यहाँ पे कर लिया और इधर से हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, पहले मैं व्हाइट फंदे ये इधर लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लूंगी, इस तरह। अब ये उतार के ये आगे कर लूंगी ऐसे। अब ये रेड वाला फंदा इसको उल्टा बुन लेंगे, और ये व्हाइट वाले हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, इनको हम बुनेंगे नहीं, ना ये हमने ये व्हाइट वाले पहले नहीं बुने और ये भी हम नहीं बुनेंगे। अब धागा पीछे की साइड करके हम चार फंदे रेड कलर के बुनेंगे, 1 2 3 4, देखिए चार फंदे बुन लिए, और ये एक फंदा फिर रह गया हमारा, ये छह थे हमारे, एक इधर चला गया। अब ये वाला फिर हम छह फंदों पे ये वायर बनाएंगे, चार ये बीच के रेड वाइट कलर के सॉरी, और दो ये रेड कलर के। फिर हम ऐसे ही करेंगे, ये रेड कलर के बीच में लाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, और वाइट कलर के साइड में। इसको हम पहले व्हाइट वाले, ये पहले हम धागा आगे कर लेंगे ऐसे, और ये व्हाइट वाले फंदे पहले ले लेंगे सिलाई में इस तरह, और ये रेड वाला आगे कर लेंगे। अब इनको व्हाइट वालों को नहीं बुनना, बस इस रेड वाले को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब ये रेड वाला ये वाला हमें यहाँ पे लाना है, व्हाइट वाले पीछे करने हैं इस तरह। तीनों ये एक सिलाई में लेके ये व्हाइट वाले लेफ्ट वाली सिलाई में ले लेंगे, और ये रेड वाला इसमें, इस तरह ये आसानी से आ जाएंगे। अब हम ये रेड वाला उल्टा बुन लेंगे और व्हाइट वाले दोनों फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। ये धागा पीछे करेंगे हम और चार फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2
तीन चार, फिर ये धागा अपनी साइड करेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे, ये वायर बनाएंगे, ये रेड वाला फंदा यहाँ बीच में करेंगे और ये दो वाइट वाले आगे। इसके लिए हम पहले वाइट वाले फंदों को पीछे से ऐसे ले लेंगे और ये रेड वाला फंदा इस तरह लेफ्ट वाली सिलाई में डाल लेंगे। ये वाइट वाले नहीं बुनेंगे और ये रेड वाला उल्टा बुन लेंगे ऐसे। फिर ऐसे ही करेंगे, ये रेड वाला आगे लाएंगे और ये दो वाइट वाले पीछे। इनको हम तीनों को इस सिलाई पर ले लेंगे राइट वाली पर, और ये दो फंदे ऐसे पीछे से लेफ्ट वाली पर, और ये रेड वाला ऐसे उठा के आगे कर लेंगे। अब इस रेड वाले को उल्टा बुनेंगे और ये वाइट वाले स्लिप कर लेंगे। ये धागा पीछे करके ये चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से ये सिक्स वाली रो हमें पूरी बनानी है। फिर धागा आगे करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, ये दो वाइट वाले आगे लाएंगे और ये रेड वाला फंदा पीछे ले जाएंगे। इसमें हम सब दो वाइट वाले फंदे पीछे से लेंगे इस तरह, और ये रेड वाला ऐसे लेफ्ट वाली में डाल लेंगे। वाइट वाले नहीं बुनेंगे और रेड वाले को उल्टा बुनेंगे इस तरह। फिर ऐसे ही करेंगे, रेड वाला यहाँ लाएंगे। इसके लिए हम तीनों फंदे इसमें ले लेंगे और ये वाइट वाले पीछे से लेफ्ट वाली सिलाई में डालेंगे और ये रेड वाला आगे से इस तरह डाल लेंगे। अब ये उल्टा बुनेंगे और ये वाइट वाले स्लिप कर लेंगे। अब लास्ट में ये दो फंदे बचे हैं, इनको धागा पीछे करके हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए सिक्स रो हमारी कंप्लीट होगी और ये हमारा पैटर्न बन के आ गया है। बस ये सिक्स रो ही हमें बार बार रिपीट करना है। फोर रो इसमें सिंपल है, सीधी उल्टी, और टू रो में ये हमारा डिजाइन बन रहा है। अब हम वही करेंगे दोबारा रिपीट, ये सीधी और उल्टी वाइट कलर से। तो ये सिक्स रो ही बार बार रिपीट करते जाए, ये पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बन के आता है ये देखिए। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक व कमेंट करें, और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।